हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि अपनी टाइपिंग स्पीड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एक ट्रिक का यूज करके। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं। अधिकतर टाइपिंग हम एमएस वर्ड पे ही करते हैं और इसी में ये ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले आपको डेवलपर टैब को एक्टिव करना होगा। डेवलपर टैब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आएगी हमारे साथ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको टाइपिंग करना है हेलो, अब यहाँ पे लिखना है हिंदी में मेरा नाम, तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहां से इसको फॉन्ट को चूज करेंगे हिंदी फॉन्ट को और फिर लिखेंगे यहां से मेरा, अब फिर इंग्लिश मान लीजिए लिखना है तो फिर यहां पर जाएंगे और यहां पे फिर चूज करेंगे सूरज तिवारी है, और अब ये हमें हिंदी में लिखना है तो फिर यहां पर जाएंगे और फिर यहां इसको चूज करेंगे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको दिक्कत आएगी, और फिर अगर इंग्लिश में लिखना है तो फिर हमको यहां से चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बनी रहती है हमारे पास, ठीक है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और डेवलपर टैब पे चलेंगे। डेवलपर टैब एक्टिव कैसे होगा, यहां पर जाएंगे ऑफिस बटन पर और यहां वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर आपको ये सारे ऑप्शन टिक मिलेंगे। अगर टिक नहीं मिलेंगे तो ये डेवलपर टैब इस पर टिक नहीं होता है, आपके पास जो डेवलपर टैब एक्टिव नहीं होगा तो इस पर टिक नहीं होगा, तो इसको आपको टिक कर देना, ठीक है। देखिए अगर मैं अनटिक करता हूं तो यहां से ये गायब हो जाएगा, तो हमको इसको क्या करना है, टिक रखना है। तो यहां से सबसे पहले हम इसको टिक कर लेते हैं, टिक करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ डेवलपर टैब शो होने लगेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फॉन्ट हमने ले रखा है कैलिबरी बॉडी, ठीक है। और अब यहाँ पर डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे और यहां से हमको रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ माइक्रो 3 लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ कोई नाम चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर लेता हूं मैं इंग्लिश, इसका नाम लिखता हूं मैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिखा हमने। और यहां से आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आएगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, मैं यहां पे कंट्रोल दबाता हूं और नम लॉक की 1 दबाऊंगा, यानी न्यूमेरिक की आपको 1 दबानी है, आपको अल्फाबेटिक की नहीं दबानी है, ठीक है। ये हमने दबा दिया और यहां से असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही असाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां क्लोज का बटन बना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर एक कैसेट सा बना हुआ आएगा, इट मींस कि आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। चलिए चलते हैं होम टैब में और यहां से मैं फॉन्ट को चेंज करूंगा, साइज अगर बढ़ानी है तो बढ़ा लूंगा, जो भी हमें चेंजिंग करनी है यहां से करूंगा। मुझे एरियल फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो एरियल राउंडेड बोल्ड एमटी ये फॉन्ट हमें यूज करना है, ठीक है। और इसकी साइज को भी थोड़ा मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 14 कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमने साइज इंक्रीज कर ली, अब हम वापिस चलेंगे डेवलपर टैब पे और यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये बंद हो गई, ठीक है। अब हमें हिंदी फॉन्ट को यूज करना है, तो हिंदी फॉन्ट के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे, ठीक है, और यहां पर वापस से हम जाएंगे कीबोर्ड पर और कीबोर्ड पर जाकर के कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे, यानी CTRL और नम लॉक बटन 2, नम लॉक दबाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। नम लॉक आपको आपके कीबोर्ड पर दाहिने साइड में मिलेगा, ओके। यहां पर कंट्रोल के साथ नमलॉक 2 बटन हमने दबा दिया है, इसके बाद असाइन करेंगे इसको और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहां से हमें फॉन्ट को चेंज करना है, तो चलिए फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। मैं यहां पे हिंदी फॉन्ट लगा लेता हूं और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर बात करें हिंदी फॉन्ट की तो वो थोड़ा छोटा होता है इंग्लिश से, दैट्स व्हाई, ओके। तो अभी हमने ये कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डेवलपर टैब पर और इस रिकॉर्डिंग को यहां से कर देंगे स्टॉप, ओके। अब चलिए, अब यहां से हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है, यानी अगर हमें इंग्लिश लिखना है तो कंट्रोल प्लस 1 दबाना है नम लॉक की, और हिंदी लिखना है तो कंट्रोल प्लस 2 दबाना है। चलिए आइए देखते हैं ये ट्रिक काम करती है या नहीं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल के साथ 1 दबाया हमने तो मैं यहां पर लिख पा रहा हूं हेलो I am सूरज, I am a computer teacher, ओके, इतना मैंने लिख दिया। और अब हमको और लिखना है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है। जैसे 2 प्रेस किया यहां पे फॉन्ट चेंज हो गया और
यहां पे मैंने लिखा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सेल सॉल्यूशन चैनल अब आगे मान लीजिए हमें लिखना है हिंदी में इंग्लिश में तो हम फिर क्या करेंगे कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो यहां से फॉन्ट चेंज हो जाएगा अब जैसे मान लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ये दे दिया हमने ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जब जी चाहे हिंदी में लिखते हैं हम जब जी चाहे इंग्लिश में लिखते हैं ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं आपको एक बार ये सेट कर लेना है और फिर हमेशा ये काम करेगी आपके सिस्टम में ठीक है अब सपोज कीजिए जैसे इस पे हम दूसरा कोई पेज ले लेते हैं ठीक है देखते हैं इस पे काम करता है या नहीं तो यहां पर अभी हम क्या है कंट्रोल के साथ 1 दबाना है तो कंट्रोल और 1 हमने प्रेस किया और ये यहां पे ये चेंज हो गया हेलो यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन हेलो कंप्यूटर एंड ये लिखा हमने अब हिंदी करना है हमें ठीक है तो कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे आइए ये देखिए ये हम अब हिंदी में लिख पा रहे हैं जाने ये लिख दिया मैंने तो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग बहुत ही तेजी के साथ कर पाएंगे अगर ये ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो